प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्यापन का बिंदु है भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। कल हमने भारतेंदु युग का सामान्य परिचय प्राप्त किया, भारतेंदु युग का उदय और इस युग के प्रमुख कवि और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के संबंध में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज उसी श्रृंखला में हम भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब यह जानते ही हैं कि भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रथम चरण था और इससे पूर्व की जो कविता थी वो राज्याश्रय से संबंधित थी, श्रृंगारपूर्ण थी और कह सकते हैं कि सामान्य जन से जुड़ी हुई नहीं थी। तो आधुनिक काल के प्रथम चरण में एक नवीन जागरण हुआ जिसके कारण इस युग को पुनर्जागरण काल कहा गया था। तो इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी कि इसमें रीतिकाल की जो श्रृंगारिकता थी, राज्याश्रय था, उससे कविता को मुक्त किया गया, देश और समाज से इसको जोड़ा गया। तो इसी क्रम में सबसे प्रथम भारतेंदु युग की अगर हमसे कोई पूछे कि भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ क्या थी तो हम निस्संदेह प्रमुख रूप से तीन काव्य प्रवृत्तियों को कह सकते हैं कि जो भारतेंदु युग की थी, जो कि इससे पूर्व के काल में हमें नहीं दिखाई देती और बाकी के जो काल थे उन्होंने इसका अनुसरण करते हुए इसको पल्लवित और पुष्पित किया। तो वो तीन विशेषताएं क्या थी? सर्वप्रथम तो हम कह सकते हैं देश प्रेम की भावना या राष्ट्रीयता की भावना। दूसरा था कि खड़ी बोली हिंदी को गद्य की भाषा के रूप में स्थापित किया गया इस काल में, और समाज की दुर्दशा का चित्रण। तो प्रमुख रूप से हम इन दो या कह सकते हैं कि तीन प्रवृत्तियों को भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं और अन्य भी प्रवृत्तियाँ इस काल की रही हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना या देश प्रेम की भावना। तो इस काल के जो कवि थे उन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता का भावना को संचरित किया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत भर है मासा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की कविता धन्य भारत भूमि, सब रत्नन की उपजावनी इसी भावना से ओतप्रोत हैं। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अपनी काव्य रचनाओं में किया। उदाहरणतः एक उदाहरण है, भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय इस काल की रचनाओं में हमें मिलता है। हम यह कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में हो गया था। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही कर सके। अगला बिंदु है सामाजिक चेतना और जनकाव्य। समाज सुधार इस युग की कविता का प्रमुख स्वर रहा, क्योंकि इस युग की जो कविता थी वो समाज से जुड़ी हुई थी। समाज की समस्याओं को प्रमुख रूप से इस काल की काव्य रचनाओं में उभारा गया। इन्होंने किसी राजा या आश्रयदाता को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना नहीं की, बल्कि अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी भावना पहुंचाने के लिए काव्य रचना की। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गईं। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा,
छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया है, यथा रोभु सब मिली आभू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने भारत की दुर्दशा का चित्रण किया। वस्तुतः वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नया को उभारने की बात कह रही हैं। अगला बिंदु है भक्ति भावना। इस काल के कवियों ने भक्ति भावना से संबंधित काव्य रचनाएं की हैं, लेकिन इनकी भक्ति भावना का जो लक्ष्य है या कह सकते हैं कि उद्देश्य है, वह रीति काल की अपेक्षा अलग है या कह सकते हैं कि वो बदल गया है। अब वे मुक्ति के लिए नहीं बल्कि देश कल्याण के लिए भक्ति करते दिखाई देते हैं। उदाहरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, कहाँ करुणा निधि केशव सोई, जगत नाही अनेक जतन करी, भारत भारती रोई। अगला बिंदु है हिंदू संस्कृति से प्रेम। इस काल के कवियों ने पूर्व के युगों की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति अनुराग का भाव अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। इस काल की अन्य प्रमुख विशेषता है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। इन कवियों ने एक ओर तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के सुंदर रूप को अपनाया तो दूसरी ओर नई परंपरा की स्थापना की। इन कवियों के लिए प्राचीनता वंदनीय थी तो नवीनता अभिनंदनीय, अतः ये प्राचीन और नवीनता का समन्वय अपनी रचनाओं में करते रहे। भारतेंदु जी अपनी प्रबोधनी शीर्षक कविता में प्रभाती के रूप में प्राचीन परिपाटी के अनुसार कृष्ण को जगाते हैं और नवीनता का अभिनंदन करते हुए उसमें राष्ट्रीयता का समन्वय करके कहते हैं।